एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्शगा। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनास फातिमा। मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज की इस वीडियो में मैं बीपीएससी एस्टेट के लिए उर्दू ग्रामर लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोग अपना पेपर बआसानी क्लियर कर पाए। तो आइए बिना देर किए हम समझते हैं मजाज़े मुरसल किसको कहते हैं। मजाज़े मुरसल जब किसी लफ्ज के हकीकी माना को तर्क करके उसको मजाजी माना में इस्तेमाल करें तो वो मजाजी मुरसल कहलाएगा। शर्त यह है इस लफ्ज के लुगवी और मजाजी माने में तशबीह का ताल्लुक ना हो, और इस्तियारा में क्या था कि उसमें तशबीह का ताल्लुक हो लेकिन इसमें तशबीह का ताल्लुक ना हो, वरना तशबीही ताल्लुक होने की सूरत में वो क्या कहलाएगा, इस्तियारा कहलाएगा। उसमें भी यही था कि इस्तियारा में तशबीही का ताल्लुक होना जरूरी है, अगर उसमें तशबीह का ताल्लुक ना हो तो वो क्या कहलाएगा, मजाज़े मुरसल कहलाएगा। मिसाल के साथ समझते हैं। नाला बह रहा है, इस मिसाल में नाले से मुराद क्या है, पानी है। हम कहते हैं कि नाला बह रहा है तो नाले में क्या बहता है, पानी बहता है, इसीलिए इसमें किसी लफ्ज के हकीकी माना को तर्क किया गया है, यानी हकीकी माना क्या हो गए, पानी, लेकिन इसमें हकीकी माना को तर्क करके इसके मजाजी माना में इस्तेमाल किया गया है, यानी नाला बह रहा है। चूंकि दोनों में तशबीह का ताल्लुक नहीं है, तशबीह का ताल्लुक कैसा होता है, किसी चीज की तशबीह दी जाए, जैसे मैंने पिछली बार इस्तियारा में बताया था कि शेरों दुश्मनों के छक्के छुड़ा दो, तो इसमें शेर से मुराद क्या है, बहादुरी है, तो उसमें क्या हो गया, तशबीह का ताल्लुक हो गया, लेकिन इसमें कोई तशबीह का ताल्लुक नहीं है। नाला बह रहा है, इस मिसाल में नाले से मुराद पानी है। चूंकि दोनों में तशबीह का ताल्लुक नहीं है और नाला अपने लुगवी माना से हटकर मजाजी माना में बोला गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है, इसलिए नाले का यहाँ इस्तेमाल क्या हो गया, मजाज़े मुरसल कहलाएगा। अब जैसे हम कहते हैं कि बादल बरस रहा है, लेकिन अगर हकीकी माना देखेंगे हम तो बादल से मुराद क्या है, पानी बरस रहा है, लेकिन यहाँ बादल मजाजी माना में पानी के लिए आया है, तो इसको क्या कहेंगे, मजाज़े मुरसल कहेंगे। मालूम हुआ मजाज़े मुरसल जब किसी लफ्ज के हकीकी माना को तर्क करके उसको किसी मजाजी माना में इस्तेमाल करे तो उसको क्या कहते हैं, मजाज़े मुरसल कहते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि उस लफ्ज के लुगवी और मजाजी माना में तशबीही का ताल्लुक ना हो, और जिसमें तशबीही का ताल्लुक हो वो क्या कहलाएगा, इस्तियारा कहलाएगा, और जिसमें तशबीही का ताल्लुक ना हो वो क्या होगा, मजाज़े मुरसल। उम्मीद है आप लोगों को मजाज़े मुरसल की तारीफ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक दें, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।